सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। महाराष्ट्र के मालेगांव में फायरिंग की खबर सामने आई है। बीती रात MIM नेता अब्दुल मलिक पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी हैं। अब्दुल मलिक शहर के मेयर रह चुके हैं और इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। अब्दुल मलिक बीती रात मालेगांव चौक बाज़ार में अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, तभी उन पर फायरिंग हुई है। गोली की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। घटनास्थल से भागने से पहले ही हमलावरों ने मलिक पर कई गोलियां चलाई। MIM नेता को आगे इलाज के लिए नासिक अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए जांच भी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मलिक को 3 गोलियां लगी हैं, जिसमें उनकी छाती के बाईं ओर, बाईं जांघ और दाहिने हाथ पर चोट आई है। ये घटना मालेगांव शहर इलाके में हुई है, जहां मलिक मुंबई आगरा राजमार्ग के किनारे एक रेस्टोरेंट के बाहर थे। शुरुआत में उन्हें इलाज के लिए मालेगांव के एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया था, जहां की उनकी चोटों को गंभीरता को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज और देखभाल के लिए नासिक के एक निजी अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया है। गोलीबारी के बाद मालेगांव शहर पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। पुलिस फिलहाल घटना की जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। इस मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से किसी की भी गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि इलाके में लगे हुए CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।